बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में हद ना करने का आगाज़ कब से हुआ? मर्द और औरतों का हद ना क्यों किया जाता है? कोई भी काम बग़ैर हिकमत के नहीं होती, तो मर्द और औरतों का हद ना करने में क्या हिकमत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की अजीम नेमत से ताहाल महरूम थे। उन्होंने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिता की, ए रब मुझे नेक सालेह लड़का अता फरमा। ये दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई गई। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर बहुत शाख गुजरी। अबर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत इसरार किया कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ताकि ये लोग मेरी निगाह के सामने न रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी और ये एक सख्त इम्तिहान था कि भला कौन अपने बेटे को बयाबान में छोड़ेगा और वो बेटा और जो आपको बुढ़ापे में अता किया गया था उसको बयाबान में अकेले छोड़ा, बहुत सख्त इम्तिहान है। मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस जगह ले आए जहाँ अब खाना काबा है। उस ज़माने में ये जगह बिल्कुल गैराबाद थी। एक तेली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के हमरा उन्हें वहाँ छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोक कर पूछा कि हमें उस बयाबान में छोड़कर कहाँ चल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अजबात में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया कि हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से उजल गए, तो हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला के हुजूर में अर्ज़ किया, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बयाबान वादी में तेरे हुरमत वाले घर के पास बसा दिया है, ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखे, बस तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक़ और मोहब्बत के साथ उनकी तरफ माइल रहे और उन्हें हर तरह के फूलों का रिज़्क़ अता फरमा, ताकि वो शुक्र बजा लाते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चश्मा पैदा फरमाया। ये चश्मा आज भी मौजूद है, लोग उस चश्मे को अब जमजम के नाम से जानते हैं। अबर हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मा का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। अबर वहाँ पर एक कबीला आबाद हुआ जिस कबीले को बनी जरहम कहते हैं। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसी कबीला में शादी भी कर ली। बहुत से अहकाम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ात से बराए रास वाबस्ता है, या उन पर अमल दरामद का हुक्म हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुआ और उन आमाल की इक़्तिदा आज भी जारी है। उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म हतना का है। रिवायात में आता है कि जब हतना का हुक्म आया तो उस वक़ाफ़ की उम्र 99 बरस थी, और कुछ रिवायात में है कि आपकी उम्र 80 साल थी कि हतना का हुक्म नाजिल हुआ। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उसी रोज़ अपना और अपने तमाम नौकरों और ग़ुलामों का हतना किया। आपने खुदा की तामील में उस कदर जल्दी की कि आपके आस्तरा न था, तो आपने एक वसूली से खुद अपना हतना किया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना हतना खुद एक वसूले से किया था जबकि आप 80 बरस के थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत में से हैं, हतना करना, ज़ेर नाप बाल मुंडवाना, मूंछे चूटी करना, नाउन तराशना और बगल के बालों को अकीरना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सबसे पहले सफा और मरवा का चक्कर हज़रत हाजरा ने लगाया और सबसे पहले जिस अरब खातून का हतना किया गया वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम है। फरमाया कि जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सारा से अलग हुई तो अपना दामन नीचे कर दिया ताकि खून का असर जाहिर न हो,
नाजरीन पखीकी इतबार से मर्दों के लिए खतना करना वाजिब है और औरतों के लिए मुस्तहब है। फुकहा का इतफाक़ है कि औरतों की खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीद हुक्म नहीं है, अलबत्त उस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुकहा का इख्तिलाफ़ है। ताहम इतनी बातें हैं कि अगर खतना न किया जाए तो कोई हरज नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज़्यादा काल न काटा करे। एक और हदीस में रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्तहब है और औरतों की खतना बाइज़ इज़्ज़त है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उम्मे अमन नाम की एक औरत मदीना में खतना किया करती थी। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू किसी लड़की का खतना करे तो कुछ काल छोड़ दिया कर और काटने में मुबालिगा आमीज़ी न किया कर, क्योंकि ये चीज़ चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली और उसे हावन के लिए मकबूल बनाने वाली है। औरतों का खतना करने में हिकमत ये है कि औरतों की शहवत इख्तदाल पर आ जाती है और मियाँ बीवी दोनों के लिए ज़्यादत लज़्ज़त का बाइस है। अहले इल्म ने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद बयान किए हैं, मसलन कभी वो कलाई बड़ी होने के सबब आदम लज़्ज़त या शोहर के लिए तश्वीश का सबब बन जाती है। इस कलाई के हटने से उसके नीचे गंदगी जमा होने, उसमें बदबू होने और किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा होने का ख़तरा नहीं रहता। एक और बड़ा फ़ायदा पेशाब में आसानी का है, क्योंकि ये चमड़ी इसी के ऊपर होती है जिससे पेशाब में दक़त पैदा होती है। इसी तरह बहुत से जिनसी अमराज पेशाब की नाली की जलन, पेशाब की नाली और रहम के कैंसर से हिफाजत होती है। मर्द का खतना करने में हिकमत ये है कि खतना किए बग़ैर मर्द के लिए पेशाब से मुकम्मल तहारत और पाकिजगी हासिल नहीं होती, क्योंकि पेशाब के कुछ न कुछ कतरात उस चमड़े के नीचे जमा हो जाते हैं जिसकी बिना पर हचाए के बाद में निकलकर कपड़े और बदन को नजस और नापाक कर देंगे।